हेलो व्यूअर्स, हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने दिल्ली टू हरिद्वार, हरिद्वार से सोनप्रयाग गए थे। और ये भी जो वीडियो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में सोनप्रयाग का, और सुबह 5 बजे उठकर हमने अपने बैग सबमिट कर दिए और अपनी यात्रा को शुरू कर दिया है। और सोनप्रयाग में जैसा कि मैंने बताया था कि एक ब्रिज पड़ता है वहीं बाजू में, वहाँ से आपको ये वैन वगैरह मिल जाती, कैब्स मिल जाती हैं जो कि शेयरिंग में रहती हैं, और ये आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती है जो कि सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर का रास्ता कवर करते हैं। आपको इस तरह का मार्केट मिलेगा और यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी सही आइटम्स हैं, तो आप हैवी ब्रेकफास्ट करके या जैसे आप कंफर्टेबल हो ये नाश्ता करके या कुछ हेल्दी फूड्स खाना चाहते हैं तो खा के अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर सकते हैं। मतलब खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, तो टेंशन मत लीजिएगा कि खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं, तो अच्छी व्यवस्था है, खा पी कर यहाँ से फिर दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। गौरीकुंड का एक चीज़ और मुझे आपको बताना था, यहाँ पर क्या था कि पहले 2013 से पहले लोग यहाँ स्टे करते थे और यहीं से सारी चीज़ें कनेक्टेड थी, तो अब क्या हो गया है कि यहाँ से ना होके अब सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर आगे पीछे उससे पड़ता है, वहाँ से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी यहाँ रुकते, तो कनेक्शन है लेकिन अब और बेहतर तरीके से करने के लिए उसे सोनप्रयाग को बनाया गया, ताकि जैसे जो वेहिकल्स आपको मिल रहे पहले वो नहीं जो अब मिलने लगे। इसमें आपको ये पड़ेगा कुछ इस तरह के रास्ते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने जो है पैदल चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन चढ़ाई बहुत मेरे हिसाब से थोड़ी सी टफ है, तो इस वजह से फिर हमने बाद में घोड़े किए थे। एक्चुअली पीक सीज़न जब होता है स्टार्टिंग में मई में, तब तो आपको वो घोड़े 3 से 4 या 5 हज़ार में एक साइड से मिलता है, लेकिन हम ऑफ सीज़न में गए थे तो हमें वही घोड़ा 1700 यानी कि 1700 का पड़ा था एक साइड से। और कहते हैं जो वहाँ के घोड़े वाले हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअल में जो चढ़ाई है वो टोटल 20 किलोमीटर की है, कोई 21 बोलता है, कोई 20 बोलता है। बोर्ड्स पे आपको 16 किलोमीटर लिखा मिलेगा केदारनाथ की चढ़ाई, और मुझे लगता है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो एक्चुअल में 20 से 21 किलोमीटर की टोटल है। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो अच्छे से जूते पहन के जाइए, क्योंकि बीच बीच में क्या है कि रास्ते काफ़ी ख़राब है और वाटरफॉल्स वगैरह बहुत जगह आपको रोड्स पे नॉर्मल मिलते हैं, तो जो है आप अपने वाटरप्रूफ शूज़ पहन के जाइए ताकि गीले ना हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब चल रही थी, जैसे कि आप ये झरना देख रहे हैं उससे पहले जो एक झरना पड़ा था वहाँ से जब मैं गुजरी तो मेरे शूज़ गीले हो गए थे। तो अपनी तैयारी अच्छी करके जाइए वहाँ पर, अगर आप पैदल चलने का सोच के जा रहे हैं, नहीं भी पैदल सोच रहे हैं तो भी अपने कपड़े या चीज़ों को अच्छे से रख के जाइए वहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर लूँ, घोड़े जो है आपको बीच बीच में भी मिल जाते हैं, बार्गेनिंग करा सकते हैं। हमने ये यात्रा 1 अक्टूबर को की थी, तब रश कम था, 2 अक्टूबर से रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि केदारनाथ के जो कपाट हैं वो जो अभी जो भैया देव जाने वाला है 27 अक्टूबर को, उस दिन जो है कपाट बंद हो जाएंगे और यात्रा समाप्त हो जाएगी, फिर अगले साल मई से यात्रा दोबारा शुरू होगी। तो अपनी तैयारी कर रहे हैं और उस वक्त अगर जाने का प्लान है तो उससे पहले ही अपनी बुकिंग्स वगैरह सारी करा लीजिएगा, और पीक टाइम में जाएंगे तो हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, कोशिश करिएगा इस समय जाएंगे थोड़ा कम खर्चा है। ऐसी कंडीशन होती है जब एक भैया कह रहे हैं इसे बोल दीजिएगा कि मैंने एक दुकानदार को मार दिया पैरों से घाय। यहाँ पर इस तरह से आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत। भैया एक सेकंड, भैया एक सेकंड, ये पकड़ना, अभी ले ली मैं आप। और मतलब आपको क्या बोलूँ कि जैसा कि हम सब चाहते हैं कि इस तरह की नेचर की चीज़ों को ना फ़ोन में कैप्चर करेंगे, इतनी खूबसूरत है कि शब्द कम पड़ जाएंगे तो बयां करने के लिए, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो आप ऊपर लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पर,
ये रामबाड़ा है, वहाँ ले जाकर भी दिखाऊंगी जहाँ पर वो त्रासदी में सारा ख़त्म हो गया था। तो ये पूरा रामबाड़ा है आपका, आइए चलिए वहाँ चल के आपको और अच्छे से दिखा। अब हम ये रामबाड़ा की ओर मुड़ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया है अभी आपको, और आप देखेंगे जो मंदाकिनी में 2013 में जो बाढ़ आई थी जिसकी वजह से रामबाड़ा पूरी तरह से तबाह हो चुका था वहाँ पर, और आप वो तस्वीर देखेंगे बड़ी ही कहते हैं कि रूह कांप देने वाली, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं 150 स्टॉल्स कुछ थे, कई होटल्स हुआ करते थे बड़े बड़े, और मंदाकिनी की उस बाढ़ ने उस पर सब कुछ समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे जब हम ये ब्रिज की ओर बढ़ते हैं तो ये जो ब्रिज आप अभी देखने वाले हैं ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि बहुत ही जर्जर अवस्था में है ये आज भी, और मतलब आप देखेंगे इतने गहराई में है, एक तो ऊपर इतना बना हुआ है, उसमें नीचे जो मंदाकिनी बह रही है, इतना डरावना लगता है यहाँ पर जाना, क्योंकि उस कंडीशन में नहीं है, वेल कंडीशन में, कि इससे इतना रेगुलर इतने सारे घोड़े खच्चर और लोग यहाँ से गुजरे। मेंशन भी किया गया है इसमें कि एक समय पे कितने लोग और खच्चर वहाँ से गुजर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, ट्रॉली सी छोटी सी मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप इसको देखेंगे ये जो लगा हुआ है ये 2013 में राहत के लिए, लोगों को वहाँ से बचाने के लिए इसको लगाया गया था, क्योंकि ये ब्रिज जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। तो ये जो तस्वीर है अपने आप में 2013 की जो कहानी है उसको बयां करती है, और उस तरह से देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है पूरी चीज़ें वहाँ पर, तो उस तरह से ये ब्रिज मुझे मजबूत नहीं लगा जितना होना चाहिए, जिस प्रकार से यात्री आते हैं हर साल उस हिसाब से इसमें इतनी मजबूती नहीं थी, इतनी सुरक्षा मुझे महसूस नहीं हो रही थी उस ब्रिज पर। बाकी के रास्ते कहीं कहीं पर सही है, कहीं कहीं पर काफ़ी ख़राब है। घोड़े से चढ़ते वक्त मुझे लगता है उतनी परेशानी नहीं होती जितना की परेशानी होती है उतरने में, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है वहाँ पर उतरने में, घोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं घोड़े और गिरने से लगते हैं थोड़े से, तो इस वक्त थोड़ा डर लगता है। जैसा कि आप कंटिन्यू देख रहे होंगे यहाँ पर बीच बीच में किस तरह से रास्ते हैं, वैष्णो देवी में जब आप जाते हैं तो इस तरह से रास्ते नहीं मिलते, काफ़ी क्लीन मिलते हैं आपको, और थोड़ा फ्लैट भी है वो रास्ते, और क्लीनिंग का बहुत विशेष ध्यान था वहाँ पर, और यहाँ पर उतना क्लीनिंग का ध्यान मुझे नहीं लगा। भैया ये लोग ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं ये? अच्छा ये शॉर्टकट है पैदल जाने वालों का, सेफ है? ये जो बर्फीली चोटियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर बसे हैं हमारे शिव, हमारे केदारनाथ, और हम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग कहते हैं कि 4 किलोमीटर कुछ रह गया है, और इस तरह से जब आप नज़दीक पहुँचने लगते हैं तो ये बर्फीली पहाड़ियाँ आपको दिखना शुरू हो जाती है, तो समझ जाइए अब आप मंदिर के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, और आपका धैर्य जो है वो और आपको बांधे रखता है, आपकी आस्था जो है आपको संभल देती है कि चलिए बस थोड़ी दूर और चलना है और हम जल्दी से मंदिर के पास पहुंच जाएंगे।
आप भी मेरे साथ साथ इन पहाड़ियों का, इन माउंटेन्स का लुत्फ उठाइए, इस प्रकृति के खूबसूरत जो बयां कर रही है वहाँ की खूबसूरती का, उसका लुत्फ उठाइए आप भी यहाँ पर। इस तरह से वहाँ पर आपको पालकी की सेवा मिल जाएगी, वो रेट वहाँ पर अपने वेट के अनुसार बता देते हैं। वहाँ पर रुके हमने, छोटा सा एक टी ब्रेक लिया था 4 किलोमीटर पहले ही, और चाय पानी पी के हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। आई थिंक यहाँ से बहुत कम किलोमीटर अब रह गया है, आप पीछे जो मेरे देख रहे हैं पूरा बर्फ का पहाड़ है। बहुत जल्दी हम केदारनाथ के दर्शन करेंगे और यहाँ का आपको भी दिखा देंगे। ये नीचे वाले कैंप से सारे अच्छा बेस कैंप आ गए, यहाँ कोई रुकना चाहे तो यहाँ भी रुक सकता है। मंदिर के बाहर यहाँ पर घोड़े से हम उतर गए हैं और 500 मीटर की दूरी पर बेस कैंप है यहाँ पर, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, मंदिर के पास थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन हम एक बार जाके पता करते हैं। और यहाँ से बेस कैंप 500 मीटर और उससे 1 किलोमीटर आपका केदारनाथ का मंदिर आ जाता है। आइए चलते हैं वहाँ तक। अब मंदिर की ओर बढ़ते हुए आप अपने राइट साइड में यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे। आपने देखा होगा कि बाकी जो शिवलिंग आपने देखी होगी वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है, जबकि त्रिकोणाकार में है। इसके पीछे एक मान्यता, एक कहानी है। कहते हैं कि यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी, उसमें लड़ाई के बाद क्या हुआ कि पांडवों ने अपने मित्र और संबंधियों को मारने का खुद को दोषी महसूस किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की जो है आशीर्वाद के लिए वहाँ पर गए, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए पांडवों से बार बार वो बचते रहे और उन्होंने बैल के रूप में केदारनाथ में शरण ली। और पांडवों के द्वारा पीछा किए जाने पर उन्होंने क्या किया कि ज़मीन में डुबकी लगा ली, लेकिन सतह पर उनका कुंवर छोड़ गया, जिसकी वजह से उनका जो आकार है यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पर अभी मंदिर में सारा काम जो है चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी व्यापक रूप से आपको वहाँ पर काम देखने को मिलेगा और धीरे धीरे 2013 के बाद निरंतर काम जारी है वहाँ पर, निर्माण कार्य जारी है वहाँ पर, ताकि हम यात्रियों को सुविधाएं मिलती रहें वहाँ पर और हम आसानी से भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकें बिना कोई असुविधा हुए। और काफ़ी बेहतर ऊपर डेवलपमेंट हो चुका है, ऊपर काफ़ी चीज़ें सुधार हो चुकी हैं। जब आप जाएंगे रोड्स पे तो ऊपर जब आप मंदिर के पास पहुँचेंगे तो काफ़ी अच्छे रोड्स, काफ़ी अच्छी व्यवस्था, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था, सब कुछ आपको मिलेगी। काफ़ी महंगी है, मंदिर के पास की जब आप बात करेंगे, रूम्स देखेंगे तो 9,000 से 10,000 रुपये नॉर्मल टाइम में, यानी कि अक्टूबर में जब हम कहते हैं ऑफ सीज़न होने वाला होता है, उस वक्त आपको वहाँ पर कमरे मिलते हैं केदारनाथ के मंदिर के पास। टेंट्स आपको 700 से 500 प्रति व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन टेंट्स में भाई उतनी सुविधा नहीं होती है, ठंडी में थोड़ा सा मुश्किल होती है और उतनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो रूम्स जो है वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो अगर आप लोग काफ़ी लोग जा रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, 1 से 2 लोग जाते तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देखेंगे 8 से 9,000 रुपये देना एक कमरे के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखकर ही आप अपने मंदिर की ओर जो है प्लान बनाएं, मंदिर की ओर जो है जाएं, आप अपनी यात्रा को शुरू करें। कर सकते हैं आकर भी सस्ते मिल जाते हैं ऑफ सीजन में। इस तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे तो GMVM की आपको ये टेंट्स मिलेंगे, तो इसकी बुकिंग आप वेबसाइट पर करा सकते हैं GMVM.online.com पर, और ये गढ़वाल विकास निगम टेंट्स है, यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है तभी यहाँ पर टेंट्स मिलते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलते हैं। ये बेस कैंप है, यहाँ पर बहुत टेंट्स मिलते हैं, आपने अगर नहीं भी कराया इनकेस बुकिंग पहले से तो भी आप आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं, उतनी सुविधाएँ इसमें नहीं होती हैं। जी
ये GMVM का यहाँ पर ऑफिस आई थी, पता करती हूँ उनका। अब देखा बुरा, अब गया। एक्चुअली GMVM में एक भी रूम खाली नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि ऑनलाइन कराना कंपलसरी होता है यहाँ पर। ये जो आप कैंप्स वगैरह के नंबर देख रहे हैं, ये मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही ये बेस कैंप में आपको सारे कैंप्स मिलेंगे, टेंट्स मिलेंगे, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बेड के प्राइस लिखे हुए हैं GMVM के। और अब हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, और वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बेस कैंप था। आप देखेंगे अब कि मंदिर के पास में जो होटल्स हैं उनके मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप चाहे तो संपर्क करके बुकिंग कर सकते हैं। जो मंदिर के पास में होटल्स हैं थोड़े से महंगे हैं, इसको ध्यान में रखकर ही बुकिंग करिएगा। ये रहे आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल। एक चीज़ और आप देखेंगे, मंदिर की ओर जब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो रश जब ज़्यादा रहता है तो इस तरह की लाइन आपको 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लाइन लगना शुरू हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे महसूस हुआ, वहाँ पर VIP चार्जेस हैं एंट्री के लिए। वहाँ पर 1100 रुपये अगर आप दे पा रहे हैं तो पीछे वाले गेट से आपको एंट्री करा दी जाती है, और जो यात्री बाहर ही आप खड़े हैं इन्होंने 1100 रुपये नहीं दिए, इसलिए इनको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगती है, क्योंकि मंदिर में तो सब बराबर है। यदि आप मतलब पैसे देने में सक्षम नहीं है तो ऐसा मंदिर में रूल है, तो आपको ऐसे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा सुबह 4 बजे से, और दोपहर में 11-12 या 10-11-12 बजे आपका नंबर आता है दर्शन के लिए। यदि आप 1100 रुपये की टिकट देके मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अब मंदिर ही तो ऐसी जगह है जहाँ पर पैसों से इंसान को नहीं तोला जाता, और यहाँ पर भी जो है ये देखने को मिलता है। और हर जगह आप देखेंगे मंदिर परिसर में या किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी गलत है। और मंदिर में जो है सब समान है, ज़रूरी नहीं कि आप अगर संपन्न नहीं है तो आप दर्शन नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर आपको वो जो कह सकते जो चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं कि 1100 रुपये अगर आप दे रहे हैं VIP दर्शन कर रहे हैं तो जल्दी कर लेंगे, वरना हमारी तरह आप भी लाइन में खड़ी होंगे इस तरह से। कहते हैं कि सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है, लेकिन यात्रियों को या फिर जो वहाँ पर आए हैं श्रद्धालु, उनको दर्शन करने के लिए 6 बजे ही मौका मिलता है। 6 बजे से हम श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर कपाट खुल जाते हैं, 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है आरती के लिए, लेकिन हम दर्शन के लिए सुबह 6 बजे ही मंदिर के अंदर जा सकते हैं। आरती होगी 6:30 बजे, अगर मौका मिलता है तो मैं वो भी अटेंड करने की कोशिश करूँगी। और अंदर मंदिर में एक्चुअली फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का दिखा नहीं सकती। फिलहाल मैं शिलाखंड के आप देख सकते हैं यहाँ से भीम शिला जिसको बोलते हैं। मेरे पीछे जो ये बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, आपको पता होगा 2013 में जो त्रासदी आई थी, इसी पत्थर ने मंदिर को पूरी तरह से बचाया था, और इसने ही पानी की जो फ्लो आ रहा था उसको 2 धाराओं में बांटकर मंदिर को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। बहुत विशाल है ये, और कहते हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कहते हैं कि ऐसा पत्थर उन्होंने कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से ये मंदिर को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा कवच बन के 2013 में आया। आइए अब आगे आदि शंकराचार्य जी की समाधि की ओर बढ़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने स्वयं इस मंदिर का निर्माण जो है वो 8वीं सदी में करवाया था। आइए देखते हैं, उसका लुत्फ़ उठाते हैं, देखते हैं कैसा बना हुआ है।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 3 में आपको केदारनाथ की और चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगी।